Hey everyone, कैसे हो सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रॉय बॉय यूनिवर्स के इस टेक्निकल चैनल में। सो आज फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पोल के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सैमसंग जो है बहुत सारे मिड रेंजर्स फ़ोन लॉन्च कर दिया और सक्सेस हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ये मन बना चुके थे कि उनको सैमसंग का गैलेक्सी A50 लेना है, और तभी अचानक से A70 भी आ गया। तो बहुत सारे लोग अभी कन्फ्यूजन में कि कौन सा ले, आइदर A50 और A70। तो इस फिलहाल में हम वीडियो में कंक्लूड कर देंगे कि आइदर A50 लेना है या फिर A70। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दो फ़ोन की कंपैरिजन होती है ना, तो फिर पहले क्या देखते हैं, पहले बहुत सारे डिफरेंस देखते हैं, बाद में जाके एक चॉइस बनता है। लेकिन मैं वैसे नहीं करने वाला, मैं पहले मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा, उसके बाद उस ओपिनियन को जस्टिफाई करूंगा। तो अगर आप बहुत लोगों की तरफ फंस चुके हो आइदर गैलेक्सी A50 लेना है या फिर A70 मिड रेंज का, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप A50 के लिए जाओ। और आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में मैं ये जस्टिफाई भी करूंगा कि आपको क्यों A50 के लिए जाना चाहिए, A70 के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए। गाइस अगर देखा जाए डिफरेंसेस के बारे में, तो डिफरेंस ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है। जैसे कि आप देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी A50 में 6.4 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन है, वही A70 में 6.7 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन है। और बैटरी कैपेसिटी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। A70 में जो है वो 4500 mAh है और A50 में 4000 mAh ही है। बहुत USB टाइप सी रन करता है, लेकिन डिफरेंस आता है प्रोसेसर में। A70 रन करता है स्नैपड्रैगन का 675, लेकिन A50 रन करता है एक्जीनोस 9610, जो कि खास है, अच्छा ही है। और अगर हम आ जाए बात इंटरनल और रैम पे, तो वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जो A50 है वो 4GB और 6GB का रैम वेरिएंट में आता है, लेकिन 64GB तक ही इसका इंटरनल मेमोरी रहता है। लेकिन A70 6GB रैम में आता है और 128GB का इसका इंटरनल स्टोरेज है। और डिफरेंस अगर देखा जाए तो चार्जिंग का स्पीड में भी है डिफरेंस। आपको जो A50 में जो मिलेगा फास्ट चार्ज, वो 15 वाट का है, जो नॉर्मल है। और ये S10 और बाकी सब फ्लैगशिप डिवाइसेस में भी देखने को मिलता है सैमसंग का। लेकिन A70 का जो फास्ट चार्जर है वो 25 वाट्स का है और ये बहुत क्विक चार्ज देता है। अगर कैमरा का देखा जाए तो दोनों ही फ़ोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। A70 में हमें 32+8+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है पीछे की तरह, और आगे सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का होता है। और A50 में हमें 25+8+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप पीछे मिलता है, और आगे का जो कैमरा है 25 का है। तो दोनों फ़ोन में फ़िलहाल कैमरा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, चलेगा। इस रेंज में आपको ऐसे ही कैमरा मिलेगा, आपको फ्लैगशिप का इतना प्रोफेशनल वाला डिग्री कैमरा नहीं मिलने वाला है। लेकिन इस रेंज में जो दोनों कैमरा है, दोनों के फ़ोन के प्राइस टैग से ये अच्छा है। करते हम लोग सिक्योरिटी के मामले में, तो दोनों ही फ़ोन में हमें अल्ट्रासोनिक तो नहीं मिलता, लेकिन ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट दोनों ही फ़ोन में मिल जाता है। और साथ में ये दोनों ही वन यू आई बेस्ड है इसका OS, और बहुत ही अच्छा है। वन UI एंड्रॉयड पाई के साथ रन करता है। लेकिन A70 में आपको NFC मिलता है, जो कि आपको A50 में नहीं मिलता। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बोलूँगा कि क्यों मैं A50 को ऑप्ट किया A70 को इग्नोर करते हुए। मेरा मेन टॉपिक आएगा प्राइस पे। A50 का जो प्राइस है वो रेंज करता है 20 से 22,000 के बीच, लेकिन A70 जो है वो हाईली और एग्रेसिवली प्राइस्ड है, ऑलमोस्ट 30,000 तक, 29 से 30,000 तक। बस इतना प्राइस बढ़ा दिए, बस एक डिस्प्ले थोड़ा बड़ा कर दिए, 25 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग दे दिए और इंटरनल थोड़ा बड़ा कर दिए। इसके नैतिक आप 8 से 10 हज़ार चार्ज कर रहे हो, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। जो डिज़ाइन है वो सेम ही है, जो पॉलीकार्बोनेट है A50 में वही A70 में भी वही पॉलीकार्बोनेट है। लेकिन ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब इतना प्राइस बढ़ा है, आपको ग्लास बैक देना तो बनता था, जो कि आप नहीं दिए। इससे बेहतर आप बहुत सारे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर फ़ोन्स भी देख सकते हो, वीवो का, रियलमी का या फिर शाओमी का, बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ आता है और बहुत अच्छा स्कोर करता है और बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशंस भी देता है। लेकिन अगर आप मिड रेंज डिवाइसेस में फंस चुके हो A50 और A70 के बीच, तो मैं आपको ऑब्वियसली ऑप्ट करूंगा A50 के लिए जाए, और बेकार में पैसा खर्च करते हुए A70 के लिए ना जाए। सो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। अच्छा लगे लाइक कर देना, जो भी डाउट हो क्वेरी सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके ही जाना, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। और नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें फेसबुक में और इंस्टाग्राम में प्लीज़ सपोर्ट करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, पीस आउट।